Good morning, students. Now we start the type of pressurized solid. इससे पहले वाले वीडियो में हमने टाइप ऑफ सॉलिड किए थे, दो तरह के क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। तो मैंने आपको बताया था जो क्रिस्टलाइज सॉलिड है वही ट्रू सॉलिड है। अब आगे की जो हमारी स्टडी है वो क्रिस्टलाइज सॉलिड पे ही चलेगी। डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन पार्टिकल विच मेड द सॉलिड। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड इंट्रैक्शन बिटवीन दैम, कॉज ऑफ इंट्रैक्शन टेक प्लेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑफ फोर टाइप। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मोलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, या कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंटली बॉन्डेड है, या फिर आयंस हैं, और उनके बीच में किस टाइप की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, इसके ग्राफ के ऊपर है क्रिस्टलाइन सॉलिड फोर टाइप के। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इनमें, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पढ़ेंगे, उनके बीच की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पढ़ेंगे, और फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन से ही इनकी जो दूसरी जो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो इंट्रैक्शन ही डिसाइड करती है। जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है या नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा या हाई होगा, इस तरह से। तो इंट्रैक्शन ही बताती है ना जनरली, जो फिजिकल स्टेट बतानी है या फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बताना है या कंडक्टिविटी वगैरह, जो फिजिकल क्या करती है, इंट्रैक्शन डिसाइड करती है। तो सबसे पहले नाम से पता चला, आयनिक सॉलिड स्टार्ट करते हैं। आयनिक सॉलिड, जो आयनिक सॉलिड होते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, आयंस होते हैं। अब आपको पता है कि सिंगल टाइप का आयन कभी नहीं बनता। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा सॉलिड है जो सिर्फ कटायन से मिलकर बना है या सिर्फ अनायन से मिलकर बना है। तो जो आयनिक सॉलिड होगा उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपोजिटली चार्ज आयंस, कटायन और अनायन दोनों होंगे। तो आयनिक सॉलिड्स के अंदर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पार्टिकल्स आर अपोजिटली चार्ज आयन, आर कटायन एंड अनायन। कटायन और अनायन होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब कटायन और अनायन होंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी रहेगी, दो अपोजिट चार्ज की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप की रहेगी, आयंस आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेनली तो बेटा बहुत सारे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे पूछने जाएंगे, आपको बहुत सारे सॉलिड दे दिए जाएंगे, उसमें से कह देंगे आयनिक सॉलिड को सिलेक्ट करो या कोवलेंट सॉलिड सिलेक्ट करो, मॉलिक्यूलर सॉलिड सिलेक्ट करो। ठीक है, वो सॉलिड सिलेक्ट करने आने चाहिए मेनली, तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है इस टॉपिक में से। ठीक है, तो क्या बात याद रखनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कटायन और अनायन होंगे, और कटायन और अनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसके इनके बीच में होगी, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कटायन और अनायन अट्रैक्टेड रहते हैं, इसीलिए क्या होंगे, ये बहुत ज्यादा हार्ड होंगे, इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाई पता ही आप लोगों को, आयनिक सॉलिड्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि कटायन और अनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका होगा, और आयनिक कंपाउंड है तो वाटर के अंदर क्या होंगे, ये वाटर सोल्युबल होंगे, और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे या नहीं, सॉलिड फॉर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होंगे। अब तुम सॉलिड एनएसएल ले लो तो वहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा ना कंडक्ट करेगा, क्योंकि आयस तो है लेकिन सॉलिड फॉर्म में आयस फ्री नहीं है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयस फ्री होने चाहिए। तो सॉलिड फॉर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन मोल्टन फॉर्म और सोल्यूशन फॉर्म में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन मोल्टन फॉर्म और अक्वस सॉल्यूशन।
तुमसे ये पूछ लिया जाए व्हाई सॉलिड NaCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड NaCl इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन उसी का अगर हम एक्वा सॉल्यूशन बना दें उसको पानी में घोल दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है। बिकॉज इन सॉलिड NaCl सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन इज नॉट फ्री टू मूव, दे आर स्ट्रॉन्गली हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्रिस्टल के अंदर जकड़े हुए हैं, बाइंडेड फॉर्म में है, ठीक है ना, फ्री नहीं है। लेकिन जब हम वाटर क्या करता है, इस अट्रैक्शन को तोड़ देता है और ये आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो इनके एक्वा सॉल्यूशन में या पिघलाने के बाद भी क्या होंगे, आयंस फ्री हो जाएंगे तो मोल्टन फॉर्म में और अपने एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपको पता ही होगा आयनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, या तुमने कभी भी किसी भी आयनिक कंपाउंड को रूम टेम्परेचर के ऊपर गैसीय स्टेट या लिक्विड स्टेट में देखा है, सारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में। कारण क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होना, बहुत हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल बता दो, एग्जाम्पल तो सिलेक्ट कर ही लोगे, आयनिक सॉलिड का आपको पता ही है, जैसे कि NaCl है, जैसे कि NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड, CuSO4, Fe3 एंड सो ऑन। तो ये आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल है। उसके बाद दूसरे टाइप के जो सॉलिड है वो है मेटालिक सॉलिड्स। पता है आप लोगों को मेटल्स जो है वो मेटालिक सॉलिड होती है। मेटालिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या होते हैं, अगर हम एक मेटल का क्रिस्टल देखें तो उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या होंगे, मेटल एटम्स। और मेटल एटम्स की क्या खास बात होती है, मेटल एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, जिसकी वजह से उनके जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से दूर होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एटम को लीव कर देते हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एटम को लीव कर देगा और फ्रीली मूव करता रहेगा क्रिस्टल के अंदर, जिसको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो कटायन बचेगा, फिर तो एटम के अंदर से अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो कटायन बन जाएगा, लेकिन यहां पर हम कटायन नहीं बोलते, उसको कर्नल बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो एटम लेफ्ट रह जाता है मेटल क्रिस्टल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटालिक सॉलिड में क्या होते हैं, कर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकेंड टाइप के हमारे पास है मेटालिक सॉलिड। यस, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या होंगे, कर्नल्स, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अब हम कॉपर का टुकड़ा उठाए तो यहां पर क्या होंगे, ये कॉपर एटम्स होंगे और इस तरह से फ्री मूव करते हुए ये क्या होंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर भी क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कर्नल्स, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में होती है। अब जैसे यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये फ्रीली मूव कर रहा है, इधर इधर ये सारे एटम्स पड़े हुए इसके अंदर, तो इस सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से सारे इसकी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से ये इनके अंदर मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी होती है, यानी कि हैमरिंग करने के बाद ये सीड्स और वायर में कन्वर्ट होते हैं, इसी वजह से, मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो किस चीज के बीच में होती है, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यहां पर भी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी क्या बोलेंगे, अपोजिट चार्जेस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमेशा क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी वजह से क्या होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं सॉलिड फॉर्म में ही, जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी
को कंडक्ट अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करते हैं, सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करते हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं। लिक्विड जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट फ्री आयंस की वजह से करेगा, उनको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलेंगे। तो मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दे ऑल्सो हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन है जैसे कि सोडियम पोटासियम जैसी मेटल जो है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा लो है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे मेटेलिक सॉलिड के? मेटल्स सारी, जैसे तुम्हें आयरन दे दिया जाए, कॉपर दे दिया जाए, गोल्ड दे दिया जाए, एचजी दे दी जाए, ठीक है? तो ये सारी क्या है? मेटल। तो मेटल के अंदर क्या होगा? मेटेलिक सॉलिड के अंदर आ जाएंगी मेटल्स, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है कोवेलेंट सॉलिड्स। थर्ड टाइप के जो है कोवेलेंट सॉलिड्स। अब कोवेलेंट सॉलिड्स में क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड जनरली किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल एटम्स के बीच में बनता है, सेम या डिफरेंट नॉन मेटल एलिमेंट के एटम के बीच में बनता है। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो नॉन मेटल एटम्स होंगे, नॉन मेटल एटम्स एंड विच आर बॉन्डेड टू ए कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोवेलेंट सॉलिड के बारे में लिख रही हूं मैं। कोवेलेंट सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉन मेटल एटम्स लाइक कार्बन हो गया और सल्फर हो गया, या सिलिकॉन हो गया, इस तरह से। जनरली कार्बन सिलिकॉन के ही होते हैं ये, ठीक है? नॉन मेटल एटम्स के एटम होंगे, एटम जो होंगे वो नॉन मेटल एलिमेंट के होंगे, जैसे कि कार्बन के हो गए, सिलिकॉन के हो गए, सल्फर के हो गए, एंड दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर थ्रू ए कोवेलेंट बॉन्ड। दीज एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर ए कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे। इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? जैसे कि डायमंड हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, डायमंड ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड और SiO2, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन ऑक्सीजन का फ्रेमवर्क बना हुआ है, 11th में पढ़ा तुम लोगों ने, इस तरह से। अब तुमसे पूछ लेता है ये सिलिका बोलते हैं इसको, एक का सिलिकॉन और एक का सिलिका, अलग अलग सॉलिड है। जो ये तो है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा, अभी हम पढ़ेंगे इसको, ये तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा, जबकि SiO2 जो सॉरी SiO2 नहीं SiO2 सिलिका ये कोवेलेंट सॉलिड में आएगा। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सिलिकॉन ऑक्सीजन, है, मेटलॉइड है सिलिकॉन और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। जनरली या तो ये टू डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का, या थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं। दो तरह का नेटवर्क बना हुआ होता है इनमें, ये दो तरह के हैं, थ्री डायमेंशनल और टू डायमेंशनल। या तो थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बनाएंगे या टू डायमेंशनल, जैसे कि डायमंड थ्री डायमेंशनल का एग्जाम्पल है। डायमंड में कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए होते हैं, हर एक कार्बन क्या होता है चार कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इस तरह से क्या होता है थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बना लेते हैं, है ना? तो थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बना लेते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड का एक नेटवर्क बना हुआ होता है, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बना होता है, इसीलिए डायमंड का बहुत ज्यादा हार्ड है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, बहुत ज्यादा हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट है, लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस। ग्रेफाइट टू डायमेंशनल में आता है, पता है ना, लेयर स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरह से हेक्सागोनल लेयर बनी हुई होती है। ये आगे चली होती है, एक हेक्सागोन दूसरे हेक्सागोन के साथ एक लेयर बनाता है, फिर वो लेयर आपस में स्लिप करती रहती है, इसीलिए क्या होता है स्लिपरी नेचर का होता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। तो ग्रेफाइट टू डायमेंशनल है। इसी तरह से सिलिकॉन कार्बाइड,
सिलिकॉन कार्बाइड में भी क्या होता है, टू डायमेंशनल नेटवर्क बना होता है, सिलिकॉन कार्बन सिलिकॉन कार्बन आपस में कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। तो ये है कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, नॉन मेटल के एटम्स होंगे, जैसे कि कार्बन सिलिकॉन, ठीक है, इस तरह से होंगे। और इनके अंदर क्या होगा, आपस में कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, या तो टू डायमेंशनल नेटवर्क बनाएंगे या थ्री डायमेंशनल। और टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बनाने की वजह से ये हार्ड होते हैं, और इनका भी क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कोई फ्री आयंस ग्रेफाइट का एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, नहीं तो ये क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस न होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ टाइप पे आ जाते हैं हम। फोर्थ जो हमारे पास टाइप है वो है मोलिकुलर सॉलिड्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड में। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स